नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली विश्लेषण में यह जानने की कोशिश करेंगे कि नौकरी व्यवसाय किस तरह का रहेगा, कब मिलेगा, कैसा रहेगा, यह सब जानने के लिए अब हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जब हम नौकरी व्यवसाय के बारे में देखते हैं तो पहले हम फर्स्ट हाउस को देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि आपका लग्न कौन सा है, लग्न का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। फिर देखेंगे चंद्रमा की कुंडली से चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है। फिर हम देखेंगे टेंथ हाउस। टेंथ हाउस हमारा कर्म स्थान है। कर्म स्थान में ये देखेंगे कि उसका लॉर्ड कर्म स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है। वो अगर अस्त तो नहीं है, वो नीच राशि में तो नहीं बैठा है, इस तरह। फिर हम आगे बढ़ते हैं और सब ग्रहों की जानकारी लेते हैं। कितने ग्रह टेंथ हाउस को देख रहे हैं, क्योंकि टेंथ हाउस कर्म स्थान है और कर्म स्थान पे जो जो ग्रह बैठते हैं, देखते हैं उनके बल कैसे हैं, उस हिसाब से हम अपने नौकरी या व्यवसाय के बारे में डिसाइड करते हैं। अगर हमें व्यवसाय करना है तो हमारा धन भाव यानी सेकंड हाउस, लाभ भाव 11th हाउस, ये अच्छे होना चाहिए। व्यापार के लिए यह भी देखा जाता है कि जो भी 10th हाउस का लॉर्ड है या लग्न का लॉर्ड है उसमें जो भी अधिक बलशाली होगा उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि कौन सा व्यवसाय किया जाए। अगर लग्न लॉर्ड स्ट्रांग है तो उसके हिसाब से हमें व्यवसाय करना चाहिए। अगर कर्म स्थान का मालिक स्ट्रांग है तो उसके हिसाब से हमें व्यवसाय करना चाहिए। व्यवसाय के लिए ये भी देखते हैं कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उस पर ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि व्यवसाय में जाना है तो कौन सा व्यवसाय लें। व्यवसाय वो लेंगे जो भी ग्रह टेंथ हाउस को देखते हैं या बैठे हैं, या उसमें अगर नहीं भी हैं तो राशि का मालिक कहाँ बैठा है उसके हिसाब से हम व्यवसाय का डिसाइड करेंगे। अब व्यवसाय के बाद में हम देखें नौकरी। नौकरी के लिए जैसा कि अगर व्यवसाय के लिए जो हमने देखा था कि धन भाव और लाभ भाव अच्छे नहीं हैं तो हम नौकरी करना चाहिए। नौकरी कौन सी करें, कैसे करें, अगर गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसके लिए सूर्य गुरु अच्छे स्ट्रांग होना चाहिए और वो केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, ग्रहण योग में नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें देखना है कि ये दोनों ग्रह अगर अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अगर ये ठीक नहीं है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और कुंडली रहती है दशमांश कुंडली, उसका भी विवेचन करते हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी नौकरी मिलेगी। अब नौकरी में कहाँ पे जॉब करना चाहिए, हमें सीमेंट इंडस्ट्री में काम करना है या हमें पानी से रिलेटेड यानी जल से रिलेटेड वाली नेवी वगैरह में जाना चाहिए, इस तरह के और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती है। अगर टेंथ हाउस में अग्नि प्रधान राशियाँ रहती हैं और अग्नि प्रधान राशि में आप देख लेंगे मेष राशि और सूर्य राशि और सूर्य के सिंह राशि और नाइन्थ हाउस का देखेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका धनु राशि आएगी और धनु राशि का मालिक है गुरु। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये अग्नि तत्व 159 अग्नि तत्व प्रधान की राशियाँ हैं और अगर ये हमारे कुंडली में अच्छी है तो हम अग्नि से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम हो सकता है और
इसी टाइप के जैसे सूर्य राशि है तो सूर्य के काम होंगे, मंगल है तो मंगल के काम होंगे, ये हमने डिसाइड किया कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। अगर पृथ्वी तत्व बलवान है तो पृथ्वी तत्व के हिसाब से हमें जॉब करना चाहिए, अगर आकाश तत्व बलवान है तो आकाश तत्व की राशियां बलवान है तो उस तरह का काम करना चाहिए, जल तत्व की राशियां बलवान है तो जल तत्व का काम करना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि हमें कौन सा जॉब सुटेबल होगा वो हमें करना चाहिए। ये कुंडली में हमें सब दर्शाता है, जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा जॉब सूट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का सूट रहेगा कि जज बने या वकील बने या सीए का काम करें। अगर बुध की राशि अच्छी, बुध स्ट्रांग होगा तो हम सीए का काम करेंगे, गुरु स्ट्रांग होगा तो हम लेक्चरर वगैरह का काम कर सकते हैं, शनि और राहु ये जो टेक्निकल प्लेनेट है तो हमें टेक्निकल जॉब कर सकते हैं, मंगल है तो वो भी टेक्निकल लाइन में आ जाता है। डॉक्टरी के जॉब के लिए भी हमें ये देखना चाहिए कि सूर्य अच्छा होना चाहिए, मंगल अच्छा होना चाहिए, इनकी पोजीशन ठीक रहना चाहिए, इस हिसाब से हम डॉक्टरी का जॉब कर सकते हैं। और आपका टूरिज्म में इंटरेस्ट है या आपको होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट, उसके लिए हमें चंद्रमा की पोजिशन अच्छी रहेगी तो हमें वो इस तरह का जॉब कर सकते हैं। हमको फिनलैंड जाना है तो हमें शुक्र की पोजीशन देखना चाहिए, शुक्र का राशि होती है 2 और 7, वृषभ और तुला राशि, अगर ये स्ट्रांग है, ये लग्न से है या 10th हाउस में है तो इस तरह से हम फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और भी बहुत से कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो हमको कुंडली में दिखाई देते हैं, उसके हिसाब से हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस लाइन में जाइए। ये सब अब आप ये बात उठती कि हमें जॉब कब मिलेगा, जॉब जब मिलता है कि जब आपको 10th हाउस में जो भी राशि होती है अगर उसकी महादशा चल रही है तो उसका उस समय हमें जॉब मिलेगा, या उसकी अंतरदशा चलेगी उस टाइम हमें मिलेगा, या 10th हाउस को में जो भी और भी ग्रह बैठे हैं तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि उनकी दशाएं अंतरदशा में हमें जॉब मिलेगा। ये भी हो सकता है कि गोचर में भी जब ग्रह आते हैं उसी टाइप के तो हमें जॉब मिलता है। इस टाइम पे गोचर में गुरु मान लो उच्च में चल रहे हैं और वो आपके 10th लॉर्ड हैं तो आपको गोचर के हिसाब से भी जॉब मिलने की उम्मीद बन जाती है। और भी ऐसा देखा जाता है कि जो भी ग्रह आपको 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं उस हिसाब से भी हमें उस समय जॉब मिल जाते हैं। अब जॉब मिल गया, जॉब चलेगा या नहीं चलेगा इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि जो भी 10th लॉर्ड है या 10th को जो भी लॉर्ड देख रहे हैं वो अगर स्ट्रांग है, केंद्र में है, त्रिकोण में है तो आपको अच्छी पोजीशन मिलेगी, अच्छे वो अच्छा जॉब भी टिका रहेगा। अगर इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, अगर ये प्लेनेट अगर आपके अस्त हैं, नीच के हैं, पाप प्रभाव में हैं और 6-8 बारह में बैठे हैं तो हमारा जॉब जा भी सकता है। जब इन ग्रहों की दशाएं अंतर दशाएं आती है उस समय हमारा जॉब चला जाता है। हम ये भी देख सकते हैं कि आपको बॉस किस कैसा है, बॉस को का मिजाज वगैरह हमें मालूम हो जाता है, अगर हमको पता लग जाता है तो हमें अपनी जॉब नौकरी चलाने में आसानी होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि अगर 10th लॉर्ड अगर मंगल प्रधान है तो आदमी शासन करेगा आपके ऊपर, आपको मंगल के हिसाब से आपके ऊपर रुआब डालेगा। अगर वहाँ बुध प्रधान होगा, अगर बुध की राशि होगी तो आपका बॉस जो है वो तुलनात्मक करेगा, एक दूसरे से तुलना करके आपकी वो चीज़ें देखेगा कि बुद्धि प्रधान है तो वो जज करेगा, बुद्धि के अपने लगाएगा और उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि आपका उनके साथ किस तरह से व्यवहार रहेगा। तो बुध प्रधान बॉस को डील करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अगर शुक्र प्रधान बॉस रहे, मान लो 10th लॉर्ड आपका शुक्र बनता है तो आपको जो भी बॉस है उसको वह ये देखेगा कि आप उनकी कितनी प्रशंसा वगैरह करते हो तो उसको उसमें बहुत आनंद आता है तो वो आपका
बहुत ख्याल रखेगा। जिस तरह भी राशि बनती है उस तरह से उसका मिजाज होता है, मतलब 10th लॉर्ड जिस तरह से भी रहेगा उस तरह से आपको बॉस मिलता है। और आपको जब ये पता चल जाता है कि आपको बॉस इस तरह का है तो आपको उनके हिसाब से रहना चाहिए और डील करना चाहिए। इस तरह हम देख रहे हैं कि कुंडली विश्लेषण से आपको बहुत सहायता मिल जाती है और ये पता लग जाता है कि हमें क्या करना है और उसका आगे किस तरह से नौकरी को चलाना चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत से उपाय भी ज्योतिषी लोग का बताते हैं, आप उनके शरण में जाइए, आप अच्छे से विद्वान ज्योतिष से कुंडली का विश्लेषण कराइए और उस तरह के उपाय समय समय पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस ग्रह की दशा चल रही है उस टाइम पे उसकी उसके उपाय करते रहेंगे। आपका और भी देखना चाहिए कि कुंडली का जो मुख्य ग्रह है और आपके इष्ट देवता है, इसको जिंदगी भर तक अपने इष्ट की प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने इष्ट को निवेदन करना चाहिए कि हमारा हर काम ठीक से चले, इस तरह से हमें देखना चाहिए और ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। अब हमने ये देख लिया, ये सब जान लिया, इसके पश्चात आपको यह देखना है कि आगे के लिए और क्या क्या आपको चीज़ें उपलब्ध रहेगी जो हम आपको बता सकते हैं। इस तरह अगर आप अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण पहले ही करवा लें और उस हिसाब से आप तय कर लें कि हमें इस बच्चे को इस लाइन में भेजना है और इसके बाद में इसी तरह का जो जॉब है वो करना है उसे, और जॉब कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सब जानकारी आप प्राप्त कीजिए। इससे कि आपको भी दुख नहीं होगा और आपका बच्चे का भविष्य भी सुधर जाएगा। धन्यवाद।